फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं मणिपाल के ऐसे 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करूंगा। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तब मणिपाल ज्वाइन करना वर्थ इट है वरना वर्थ इट नहीं है। अगर तुम प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मणिपाल को ज्वाइन ना करो। इस वीडियो में मैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं स्ट्रांग पॉइंट रखने वाला हूँ। इस पॉइंट के बेसिस पे अगर तुम सोच रहे हो मणिपाल को, हाँ तब ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए वर्थ इट है वरना नहीं है। और किसी तरह का कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, भैया मणिपाल लू, VIT लू, SRM लू, कलिंगा लू, किस तरह कोई भी डाउट आ रहा है, या फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज का वेट करूँ, JEE मेंस का वेट करूँ, JEE मेंस में इतना परसेंटाइल है, इस तरह कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा प्लीज तुम इसे इंस्टाग्राम पे जाकर जुड़ सकते हो। वहां पर मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, कैसे जैक काउंसलिंग कैसे होता है, जैक दिल्ली काउंसलिंग कैसे होता है, CSAP काउंसलिंग कैसे होता है, इस तरह कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। पर्सनली कोई डाउट आ रहा है मेरे से तो बस तुम इंस्टाग्राम पे आके पूछो, भैया मेरे पास VIT का ये ऑप्शन है, मणिपाल का ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाओ, एक बार मेरे से वहां से पूछ लो। तेरे को मेरे से खुद पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग करवाना है मेरे से किसी भी VIT के रिगार्डिंग, कॉमेट के रिगार्डिंग, मणिपाल के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर दो, उससे तुम्हारा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तुम किसी भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा उससे तुम्हारा एक यूज टू करवा दूं, अच्छा से तुम्हारा बातचीत करवा दूं, हाँ एक कॉलेज वर्थ इट है या नहीं है। देखो एक्सटर्नल नॉलेज तो सबके पास होता है, इंटरनेट से डेटा सबको ले सकता है, बट इंटरनल नॉलेज जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। किसी भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तुम, वहां पे 4 साल रहने वाले हो, एटलीस्ट तुम 4-5 मिनट निकाल के उस बच्चे से बात कर लो। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले उस कॉलेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे बात करो, एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। और इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ उस कॉलेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेन कैंपस में, उससे जस्ट मैंने बात किया, उसके बाद बता रहा हूँ। और देखो अगर तुम प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सोचते हो ना, किसी भी कॉलेज से तुम हार्ड वर्क करके प्लेसमेंट ले सकते हो, बट अगर जो मैं पॉइंट रखने वाला हूँ उस पॉइंट को तुम सोचते हो तब मणिपाल तुम्हारे लिए ज्वाइन करना बहुत बहुत बेनिफिट होगा। इसके एक अपार्ट अगर तुम सिर्फ प्लेसमेंट सोच रहे हो तो प्लीज ज्वाइन मत करो, मेरे से एक बार इंस्टाग्राम पे आकर कनेक्ट करो, मैं तेरे को बता दूंगा ये ऑप्शन तुम्हारा बेस्ट है। रिक्वेस्ट करता हूँ प्लेसमेंट के लिए अगर सोच रहे हो तो मणिपाल ज्वाइन ना करो, अगर इस तरह का पॉइंट व्यू रखते हो जो मैं बता रहा हूँ तब मणिपाल को तुम ज्वाइन करो। देखो सब मणिपाल में जाओगे तो स्ट्रांग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला यही है, यहाँ पे सारे स्टेट से बच्चे रहते हैं, नेशनल स्टूडेंट को मिलेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर तुम अपना खुद का मतलब होता है स्टार्टअप करना चाहते हो, अगर बाहर के देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट सब रहेंगे, यहाँ पे अदर अदर स्टेट के बच्चे सब रहेंगे, एक स्ट्रांग अगर नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो, अपना कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हो, हाँ तब तुम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे होता है ना, कुछ इंटरनेशनल बच्चे हो गए, अदर स्टेट के बच्चे हो गए, सब मिलकर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ बड़ा सा करना चाहते हो, हाँ तब तुम मणिपाल ज्वाइन कर सकते हो। मणिपाल तुम्हारा बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करेगा। स्टार्टअप आइडिया सब तुम्हारे पास है, आज तक तुम सोच रहे थे इंप्लीमेंट करने का, पर इंप्लीमेंट करने का तुमको मौका नहीं मिला, अब तुम चाहते हो इस बेसिस पे, हाँ तब तुम ज्वाइन कर सकते हो, हाँ मणिपाल तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। सेकेंड रीजन ये है मणिपाल ज्वाइन करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा बेस्ट मिलेगा, वहाँ के टीचर अच्छे हैं, तुम्हारा लैब अच्छा है तुम्हारा। और उसके बाद तुम्हारा अगर किसी किसी बच्चे होता है, भैया मैंने अपार्ट फ्रॉम स्टडी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में करना चाहता हूँ, ये सब तरह का तुमको बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा मणिपाल। अपार्ट फ्रॉम स्टडी खुद अपने आप को स्किल करना चाहते हो, ये सब चीजें मणिपाल तुमको बहुत अच्छा एटमोसफेयर प्रोवाइड करेगा। और थर्ड रीजन ये है, मणिपाल तुमको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, तुम बोल सकते हो बेटर देन NIT और कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ कुछ IIT से भी तुमको अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे क्या बताऊँ यार, इसका एलुमनाई नेटवर्क देख लोगे इतना स्ट्रांग है, वो तुमको एक अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। तुम इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, उस सब से किसी किसी बच्चे का होता है भैया मैं BTech के बाद फॉरेन स्टडी करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ में तेरे को मणिपाल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। और मेरे कॉन्टैक्ट में एक दो बच्चे हैं जो मतलब BTech के बाद MTech करने के लिए तुम्हारा बाहर गए हैं, या फिर हायर स्टडी करने के लिए तुम्हारा बाहर गए हैं, ये सब तरह का प्लेटफॉर्म तुमको अच्छा मिलेगा। फोर्थ पॉइंट मेरे को मणिपाल का क्या अच्छा लगा, यहाँ फ्रीडम अच्छा है, फ्रीडम आदमी को एक्सट्रीम स्टैंडर्ड बनाता है, इस बात को याद रखना, स्टैंडर्ड भी बनाता है और खराब भी करता है, बट यहाँ का फ्रीडम मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा फ्रीडम है यहाँ पे, खुद का स्टार्टअप करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, या मतलब एक फ्रीडम अच्छा है तुम्हारा, किसी से तुम बात कर रहे हो, चीज कर रहे हो, इस समय कोई इशू नहीं है मणिपाल में, कोई इशू नहीं है, यहाँ फ्रीडम अच्छा है, फॉरेन फ्रीडम है यहाँ पे, ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और फिफ्थ पॉइंट मेरी तरफ से ये है, वैसे बच्चे जो कि हायर स्टडी करना चाह रहे हैं, मतलब एब्रॉड से मास्टर करना चाह रहे हैं, वो सब बच्चे के लिए मणिपाल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम चाहते हो इसी तरह का मैं जयपुर वाले पे, बेंगलोर वाले पे, सिक्किम वाले पे, और VIT पे तुम्हारा, SRM पे, ये सब पे 4 से 5 अपना स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ जिस बेसिस पे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। और देखो मैं बता रहा हूँ प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो अच्छा अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ से स्ट्रांग मेहनत करो, इस सब तरह का पॉइंट रखते हो तब वहाँ तुम कॉलेज ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी भी कॉलेज का काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत हो, देखो एक काउंसलिंग ऐसा चीज है जो तुम्हारा अभी तुम 4 से 5 साल रहोगे वो तुम्हें डिसाइड करेगा, कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट है, कौन सा ब्रांच के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है, ये सब तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे आकर जुड़ सकते हो,
पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर दो, उससे थोड़ा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। उसको जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मैं ट्राई करूंगा उससे यूज टू करवा देने का, ठीक है। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और छोटे से फैमिली का मेंबर बन जाओ। देखो मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम कॉलेज को कवर कर दूं, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, किस बेसिस पे ज्वाइन करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। अगला वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें मणिपाल क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए मेन कैंपस, ठीक है। और लगभग बच्चे से बात करने के बाद बना रहा हूं तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है, बच्चे से बताते हैं भैया ऐसा ऐसा चीज अंदर में हो रहा है, मतलब एक अच्छा लगेगा। मैं ट्राई जब इंटरेक्शन करवाऊंगा तेरे को खुद लगेगा हाँ बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ट्राई करूंगा अगला वीडियो में ये कवर करूं मणिपाल क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, किस बच्चे के लिए मणिपाल नहीं है। बस होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। मेरे कमेंट सेक्शन में बताना तुम और क्या जानना चाहते हो, किस कौन सी कॉलेज के रिगार्डिंग जानना चाहते हो, कमेंट किया कौन से कॉलेज, VIT का या फिर SRM का, किसके रिगार्डिंग क्या चाहिए मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा उसे कवर कर देने का। थैंक यू।